मलका ज़नोबिया एक रोज़ अपनी कसर के जाती कमरे में अकेली बैठी थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस पर ज़नोबिया संभल कर बैठ गई। फिर उसने बुलंद आवाज़ में दस्तक देने वाले को मुखातब किया, अंदर आ जाओ। दूसरे ही लम्हे मलका ज़नोबिया का चौबेदार उस कमरे में दाखिल हुआ। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका। उसके बाएं हाथ में एक लंबा असा था। अपनी कमर को उसने खूब दोहरा करते हुए असा को भी आगे झुकाते हुए मलका ज़नोबिया को ताज़ीम दी। फिर वो सीधा खड़ा हुआ। अपने असा को वो अपने सामने लाया। फिर उसने मलका ज़नोबिया को मुखातब किया, खानम, अपने तिलाया घर दस्तों के दो अरकान कोई अहम खबरें लेकर आए हैं और अभी और इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इस पर मलका ज़नोबिया फौरन संभल गई। वो कुछ मुतफिक्र सी दिखाई देने लगी थी। फिर उसने अपने चौबेदार को मुखातब किया, आने वाले उन दोनों मुखबरों को फौरन मेरे सामने पेश करो ताकि मैं जानूं वो क्या और किस नौयत की खबरें लेकर आए हैं। इस पर उस चौबेदार ने पहले की तरह फिर अपनी कमर को खूब सम करते हुए मलका ज़नोबिया को ताज़ीम दी। फिर वो मुड़ा और उस कमरे से निकल गया था। चौबेदार के जाने के थोड़ी देर बाद उस कमरे में दो मुखबर दाखिल हुए। मलका ज़नोबिया उनको उनके चेहरों से पहचानती थी। हाथ के इशारे से उन दोनों को आगे आने के लिए कहा। मलका के करीब आकर उन दोनों ने चौबेदार ही की तरह खूब झुकते हुए मलका को ताज़ीम दी। इसके बाद मलका ने उन दोनों को मुखातब किया, तुम दोनों क्या खबर लेकर आए हो। मलका ज़नोबिया के इस सवाल पर उन दो मुखबरों में से एक बोल उठा, खानम, हमारे पास दो खबरें हैं जो हम आपसे गोशे गुजार करना चाहते हैं। पहली खबर आपके शोहर फारस बिन हसान की तरफ से है और दूसरी जब्दा और जबाई की तरफ से है। इस पर मलका ने बड़े गौर से उन दोनों कासदों की तरफ देखते हुए अपना फैसला देना शुरू किया। पहले मैं जब्दा और जबाई की तरफ से जो खबर है वो सुनना पसंद करूंगी। इस पर वो मुखबर फिर कहने लगा, खानम, जब्दा और जबाई ने हमस शहर से बाहर रोमनों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है। रोमनों के लश्कर की अक्सरियत को जब्दा और जबाई दोनों ने तहतेह कर दिया है और रोमनों का सिपा सलारे आला मेकर यानस बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने बचे कुचे साथियों के साथ अंताकिया की तरह भाग गया है। रोमनों के पड़ाव से जब्दा और जबाई को बहुत कुछ हासिल हुआ है। ये खबर सुनकर मलका ज़नोबिया थोड़ी देर तक मुस्कुराती रही। शायद वो इस खबर से हासिल होने वाली खुशी से लुत्फ अंदोज होती रही थी। इसके बाद उसने एक बार फिर दोनों मुखबरों की तरफ देखा, फिर पूछा, अब दूसरी खबर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वही मुखबर फिर बोला, खानम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दूसरी खबर मिस्र के महाज से आपके शोहर हारिस बिन हसान की तरफ से है। हारिस बिन हसान ने बड़ी जवा मर्दी और दलेरी से हमला आवर होते हुए उन मिस्री, यूनानी और रोमन रहजानों का कला कुमा कर दिया है जो हमारे तिजारती कारवान पर हमला आवर हुए और कत्लेआम किया। हारिस बिन हसान ने अपने लश्कर के साथ उन सारे रहजानों को मौत के घाट उतार दिया है। हारिस की इस कारगुजारी की खबर मिस्र के हुक्मरानों को भी हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है और वो सहराए सीना की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि हारिस बिन हसान से टकराएं और हारिस के हाथों जो मिस्री रहजान मारे गए हैं उनका इंतकाम लिया जाए। खानम, हमें हारिस बिन हसान ने आपकी तरफ इसलिए रवाना किया है कि उसने आपसे कुमक तलब की है ताकि जो यूनानी और रोमनों पर मुश्तमिल लश्कर सहराए सीना की तरफ बढ़ रहा है उसका मुकाबला किया जा सके। जिस वक्त हम सहराए सीना से अपने शहर तदमर का रुख कर रहे थे तो रास्ते में हमें दो मुखबर ऐसे मिले जो जब्ता और जबाई की फतह की खबर लेकर तदमर की तरफ आ रहे थे। जब हम दोनों की उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे फतह की खबर लेने के बाद उन्हें वापस अपने काम में मशगूल हो जाने का मशवरा दिया, लिहाजा हम दोनों ही दोनों महाजों की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। मलका थोड़ी देर तक कुछ सोचते हुए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती रही। इसके बाद शायद उसने कोई फैसला कर लिया और बड़े अजम और बड़े इस्तेक़लाल के साथ उसने अपने सामने खड़े अपने दोनों मुखबरों को मुखातब किया, सुनो मेरे तिलाया घर दस्ते के कारकुनों, तुम दोनों अभी और इसी वक्त जब्दा और जबाई की तरफ रवाना हो जाओ और मेरी तरफ से उन्हें ये पैगाम देना कि वो दोनों फौरन अपनी लश्करियों के साथ सहराए सीना में हारिस बिन हसान की मदद के लिए पहुंच जाएं। मैं भी आज शाम तक तदमर से एक लश्कर लेकर सहराए सीना की तरफ कूच कर जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि जब हमारा टकराव मिस्रियों से होगा तो हम उन्हें बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे।
अब तुम फौरन यहाँ से कूच कर जाओ। मलका जनोबिया का ये हुक्म पाने के बाद दोनों मुखबर खूब झुकते हुए और ताजीम देते हुए उस कमरे से बाहर निकल गए थे। उसी वक्त वो मगरब में जबदा और जबाई की तरफ कूच कर गए थे, जबकि उसी रोज एक लश्कर के साथ मलका जनोबिया तदमर शहर से सहराए सीना की तरफ कूच कर गई थी। अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से तदमर से सहराए सीना तक की मुसाफतों को समेटते हुए मलका जनोबिया अपने शोहर हारिस बिन हसन के पास सहराए सीना में पहुंची थी। उसकी आमद का सुनकर हारिस बिन हसन ने अपने पड़ाव से बाहर निकलकर उसका शानदार इस्तकबाल किया और मलका को अपने साथ अपने पड़ाव में लेकर गया था। मलका जनोबिया के साथ जो लश्कर आया था उसने उस लश्कर के पहलू में पड़ाव कर लिया था जो हारिस बिन हसन की कमांडारी में काम कर रहा था। फिर हारिस बिन हसन जनोबिया को अपने खेमे में ले गया। जब दोनों मियाँ बीवी आमने सामने नशिस्तों पर बैठ गए तब मलका जनोबिया ने हारिस को मुखातब किया, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक मिस्री लश्कर इस वक्त कहाँ होगा और कब तक वो हमसे जंग करने के लिए सहराए सीना में दाखिल होगा? इस पर थोड़ी देर खामोश रहते हुए इब्ने हसन ने कुछ सोचा, फिर उसने मलका को मुखातब किया, जो खबरें हमारे जासूसों ने पहले पहुंचाई थी उनके मुताबिक तो अब तक मिस्री लश्कर को सहराए सीना में पहुंचकर मुझ पर हमला आवर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मेरा अंदाजा है कि यूनानियों और रोमनों को खबर हो चुकी है कि मैंने उनका मुकाबला करने के लिए तदमर से कुमक तलब कर ली है, और मेरा अंदाजा ये भी है कि मेरे इस अमल से वो मुख्तात हो गए होंगे और अब वो अपनी पूरी तैयारी से कोई बड़ा लश्कर लेकर हमसे जंग करने के लिए आएंगे। जनोबिया, इसमें कोई शक नहीं कि मिस्र पर पहले यूनानियों की हुकूमत थी, लेकिन अब मिस्र रोमनों की अमलदारी में शामिल है। उसे अब वो अपनी मुमलकत का एक हिस्सा ख्याल करते हैं, लेकिन इन दिनों रोमन सल्तनत अंदरूनी खलफिशार और अफरातफरी का शिकार है। अगर हम हिम्मत से काम लेकर रोमनों की मिस्री कुवत को शिकस्त दे दें तो फिर इन इलाकों में चारों तरफ हमारी न सिर्फ ये के धाक बैठ जाएगी, बल्कि मेरे ख्याल में आइंदा रोमन और ईरानी हमसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे। हारिस बिन हसन के ये अल्फाज मलका जनोबिया ने बड़े गौर से सुने थे। कुछ देर तक शायद वो उन अल्फाज पर गौर करती रही, सोचती रही, फिर वो बोल पड़ी, हारिस मेरे हबीब, मैं तुम्हारे इन ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं ईरानियों और रोमनों की सरसत को तुमसे बेहतर जानती हूँ। वो किसी भी मौका पर हम पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। ईरानी इसलिए खामोश हैं कि माजी में उनके अजीम शहंशाह शाहपुर को मेरे अजीम सिपा सालार आला जबदा की वजह से शिकस्त उठानी पड़ी है। अब वो जबदा के नाम से कामते हैं और ईरानियों को एहसास है कि जब तक जबदा और जबाई हैं वो ईरानियों की दाल नहीं गलने देंगे। पर सुन हारिस, जहाँ तक रोमनों का ताल्लुक है वो जबदा और जबाई की जवा मर्दी शुजात और दलेरी की परवाह किए बगैर जब भी मुनासिब मौका मिला हम पर हमला आवर होने की कोशिश करेंगे। इसमें शक नहीं कि रोमन इन दिनों अपने अंदरूनी खलफिशार में उलझे हुए हैं, लेकिन जो ही उनके हालात सही हुए याद रखना वो हम पर हमला आवर होने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि रोमनों के हमले का मुकाबला करने के लिए हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए। हमस और हेलोपोलिस के अलावा और बहुत से शहर जो हमने अपनी अमलदारी में शामिल कर लिए हैं जिनमें नसीबेन ईरान भी शामिल हैं वो रोमन अपने शहर ख्याल करते हैं, किसी न किसी रोज हमसे अपने वो शहर वापस लेने की कोशिश करेंगे। लिहाजा रोमनों की तरफ से हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। मलका जनोबिया थोड़ी देर तक खामोश रही, कुछ सोचा, फिर इसके बाद उसने कहना शुरू किया, जहाँ तक मिस्रियों से मतवक्के जंग का ताल्लुक है तो उसके मुतालिक मैं कुछ ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ, इसलिए कि जबदा और जबाई ने रोमनों के जर्नल नेकर यानस को हमस शहर से बाहर बदतरीन शिकस्त दी है और शिकस्त उठाने के बाद अपने बचे कुचे लश्कर के साथ नेकर यानस अंताकिया की तरफ भाग चुका है। अब फिलफोर रोमनों के हमसे टकराने के अंदेशे बहुत कम हैं, लिहाजा तदमर से सहराए सीना की तरफ रवानगी से कबल ही मैंने उन कासदों को जो तुमने मेरी तरफ रवाना किए थे उन्हें जबदा और जबाई की तरफ रवाना कर दिया था। उन दोनों को मैंने ये पैगाम देकर भेजा है कि अपने लश्करों के साथ वो भी सहराए सीना का रुख करें ताकि अपनी कुवत को पूरी तरह मुजतमे करते हुए हम मिस्रियों पर जरब लगाएं, और अगर सहराए सीना में मिस्रियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो फिर रोमन हुकूमत यूं ही आंखें बंद करके हम पर हमला आवर होने की जरूरत नहीं करेगी।
بلکہ وہ کچھ عرصہ اپنی تیاریوں کے لیے مخصوص کرے گی اور اتنی دیر تک ہم بھی اپنی دفاع کو کافی حد تک مضبوط اور مستحکم بنا سکیں گے۔ حارث بن حسان زنوبیہ کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحہ خیمے کے دروازے کے باہر ہی ملکہ زنوبیہ کے چوبیدار کی آواز سنائی دی۔ اس نے ملکہ زنوبیہ کو کھانا تیار ہونے کی اطلاع کی تھی۔ زنوبیہ نے اپنی نشست پر بیٹھے ہی بیٹھے اسے کھانا لانے کو کہا۔ تب تھوڑی دیر بعد چوبیدار اپنے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کو لے کر آیا جو کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ کھانے کے برتن انہوں نے ملکہ زنوبیہ اور حارث بن حسان کے سامنے جمع دیے تھے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ یوں حارث بن حسان اور ملکہ زنوبیہ صحرائے سینا میں پڑاؤ کرنے کے بعد ایک طرف مصریوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے، دوسری جانب انہیں زبدہ اور زبائی کی آمد کا بھی بے چینی سے انتظار تھا۔ ایک روز جبکہ شام رات میں ڈلتی جا رہی تھی، حارث بن حسان اور زنوبیہ دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں کسی موضوع پر مہوی گفتگو تھے۔ اس رات باہر صحرائے سینا میں غم کی آزمائش اور دکھوں کے اشتعاروں کی طرح ریگزاروں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ صحرا کے اندر چلتی تیز آندھیوں میں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا رات کی تیرگی آندھیوں سے لپٹ کر رو پڑی ہو۔ ایسے میں ملکہ زنوبیہ اور حارث بن حسان کے خیمے کے دروازے پر بلند آواز میں چوبیدار نے ملکہ زنوبیہ کو پکارا، خانم اپنے سپہ سالار زبدہ آئے ہیں اور کسی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بہن تیمر بھی ہے۔ چوبیدار کے ان الفاظ پر ملکہ زنوبیہ چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، حارث ہم دونوں کو اپنے خیمے سے باہر نکل کر زبدہ کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ مت خیال کرنا کہ زبدہ کو میں یہ عزت اس بنا پر دے رہی ہوں کہ وہ ایک ایسا جوان ہے جس سے میری بہن تیمر محبت کرتی ہے، ہرگز نہیں۔ سنو حارث، میں تم سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں، اگر تم میرے سامنے نہ آتی یا میری بہن تیمر زبدہ کو پسند نہ کرنا شروع کر دیتی تو میں یقیناً زبدہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتی۔ میں زبدہ کی عزت، اس کا احترام، اس کی شجاعت، اس کی دور اندیشی کی وجہ سے کرتی ہوں۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں، آؤ ان دونوں کا استقبال کریں۔ حارث بن حسان چپ چاپ ملکہ زنوبیہ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جو ہی حارث بن حسان اور ملکہ زنوبیہ اپنے خیمے کا دروازہ ہٹا کر باہر نکلے، تیمر آگے بڑھی اور بری طرح اپنی بہن زنوبیہ سے لپٹ گئی تھی۔ اس موقع پر زنوبیہ نے دیکھا اس کا شوہر حارث بن حسان عجیب سی عقیدت اور ارادت مندی میں آگے بڑھا۔ پہلے اس نے زبدہ کے گھٹنوں کو چھوا، پھر بڑے احترام میں وہ زبدہ سے گلے مل گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ زنوبیہ چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زبدہ بول پڑا اور اس نے ملکہ کو مخاطب کیا تھا، خانم آپ دونوں کو باہر آنے کے بجائے چاہیے تھا کہ ہم دونوں کو اندر بلا لیتی۔ تیمر سے علیحدہ ہوتی ہوئی زنوبیہ نے زبدہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، زبدہ تم میری مملکت اور سلطنت کے وہ نایاب اور بے مثل سپہ سالار ہو جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں اپنے شوہر حارث بن حسان کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکل کر تمہارا استقبال کرنا چاہتی تھی، اب آؤ میرے ساتھ۔ اس کے بعد چاروں خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے میں لگی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ نشستوں پر بیٹھنے کے بعد گفتگو کا آغاز ملکہ زنوبیہ نے کیا اور زبدہ کی طرف دیکھا، زبدہ میرے بھائی خدا جھوٹ نہ بلوائے، جس انداز میں حارث بن حسان تم سے ملا ہے اور تمہارے ساتھ جس ارادت مندی اور عقیدت کا اس نے اظہار کیا ہے، میں یہ اندازہ لگانے میں حق بجانب ہوں کہ حارث پہلے سے تمہیں جانتا ہے۔ اس پر زبدہ نے ہلکا سا کہکہا لگایا، کہنے لگا، خانم آپ کا اندازہ درست ہے، حارث بن حسان پہلے سے میرا جاننے والا ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق بھی میرے ہی قبیلے سے ہے۔ اس کے بعد زبدہ نے تفصیل کے ساتھ سارے حالات ملکہ زنوبیہ سے بیان کر دیے تھے۔ زبدہ جب خاموش ہوا تو زنوبیہ نے گھورنے کے انداز میں حارث بن حسان کی طرف دیکھا، اے ابن حسان تو نے مجھ سے یہ سارے حالات کیوں چھپائے رکھے، کیوں تم نے مجھ پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم زبدہ اور زبائی کے جاننے والے ہو؟ اس پر حارث بن حسان جڑ سے بول پڑا، زنوبیہ میں اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ زبدہ اور زبائی ہر حالت میں مجھ سے بہتر اور عمدہ تیز زن ہیں، طاقت اور قوت میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، لہٰذا ان دونوں کے ناموں کو وسیلہ بناتے ہوئے میں تمہارا قرب نہیں چاہتا تھا،
मैं ये ख्याल करता था कि जो कुछ मैं हूँ उसे ही तुम्हारे सामने पेश करके मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। और जनोबिया, तूने देखा मैंने ऐसा ही किया और अपने मकसद में कामयाब हुआ। जवाब में सबने हल्का सा एक हिक्का लगाया। इसके बाद चंद सानियों की खामोशी के बाद जनोबिया ने जब्दा की तरफ देखा और पूछना शुरू किया,